शांति। 7 अगस्त 2019, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है, सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। 3 बातें हमारे सामने आ रही है, 1 आ रहा है बाप को याद करना, 2 आ रहा है सुन अवस्था, और 3 है नींद। सुन अवस्था और नींद दोनों एक जैसे हैं, परंतु हमें समझना है। याद का बहुत सिंपल सा अर्थ हमें याद रखना है कि परमात्मा को याद करना, अर्थात परमात्मा का कहना मानना। जिसका हम कहना मान रहे हैं वही हमें याद है। 2 कहना मानने का मतलब हमारे जीवन में सुधार आया। जब हमने परमात्मा का कहना माना तो हमारे जीवन में सुधार आया। 2 शब्द है सुन अवस्था। सुन अवस्था जैसे हमारा कोई भी अंग सुन हो जाए, अर्थात वहां से हम मैसेज ही कोई ब्रेन के पास ना जाए, क्योंकि जो मैसेज ब्रेन के पास जाता है आत्मा की आउटर शक्ति मन उसे रीड करके बुद्धि के पास पहुंचाता है। अब ब्रेन में ही नहीं जाएगा तो बुद्धि के पास कोई भी मैसेज नहीं जाएगा, और बुद्धि के पास मैसेज नहीं जाएगा तो उसका हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। वो अच्छा है या बुरा है, सुखदायी है या दुखदायी है, उसका लाभ है या नुकसान है, वो हमारे जीवन में नहीं आ सकता। तो ऐसी अवस्था में हम नींद के साथ कंपेयर करते, जब हम नींद की अवस्था में होते हैं कमरे में क्या हो रहा है हमारे कानों को सुनाई नहीं देता, हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, और वो मैसेज जब हमें मिलेगा नहीं हम उस पर कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। इसलिए दोनों एक जैसे हैं, परंतु दोनों में अंतर है। 2 शून्य अवस्था। ये तो समझते हैं कि हमारे मन की शून्य अवस्था कोई आए जहां हमारे मन में थॉट ना आए, थॉटलेस स्टेज को शून्य कह देते हैं, और इसी प्रकार से मन पर अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां मन के साथ लगाई जाती हैं। या 3 स्टेज इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान में क्या होता है कि हम किसी बात को सोचते हुए, किसी विषय के बारे में सोचते हुए, हम किसी चित्र के ध्यान में, किसी व्यक्ति के ध्यान में, किसी वस्तु के ध्यान में इतने खो गए कि हमें आसपास की अवस्था नहीं मालूम। हम जाग रहे हैं, हम कोई सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या हो गया, और या हम कोई भी बात में इतने खोए हुए हैं हमें नहीं मालूम कि हमारे आसपास क्या हुआ। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी, जिसे हम नींद के साथ, सुन के साथ, शून्य के साथ लगाते हैं। अब प्रश्न है, तुम्हें आंख बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारण होने नहीं देगी,
आंखें बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है, काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं, इसमें हठ योग की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ व्यवहार में संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है, पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। याग की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है, ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजान हो, बाप को याद करो, अपने विकर्म विनाश करो। सुजान रहेंगे, जागृत रहेंगे, सुजाग रहेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वरदान है बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होता है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटपिट अति में होगी, मन से भी अनेक उलझने अति में आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी होंगे, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है, क्योंकि उनसे गलती होगी ही। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार हो जाएंगे। मन बाप की तरफ हो ना माना, बाबा यदि बाबा के सामने ये समस्या आती तो कैसे हल करता, शक्ति मिल जाएगी। ऐसे बाबा हल करता, ऐसे मैंने करना है। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। ओम शांति।